व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ऑन फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट एलिक्सिर रोम के लेटेस्ट अपडेट 1.4 की, जो आ चुका है हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। इस अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सबसे पहले लॉन्चर की बात करें तो आपको मिल जाता है पिक्सल लॉन्चर। अब बात करें प्री इंस्टॉल्ड कैमरा की तो आपको मिल जाता है ये ब्लू वाला कैमरा। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई और कैमरा ऐप इंस्टॉल कर लेना। मैंने इस रोम पे जीके मेट पॉइंट 1 को इंस्टॉल किया था और वो इस पे फुली वर्किंग है। अब गूगल फोटोज की बात करें तो इसमें आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा। अबाउट फोन में जाकर एंड्रॉइड पर टैप करने पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट एलिक्सिर का लोगो, इसके बाद एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलता है 12, सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाता है लेटेस्ट वाला फरवरी का, इसके बाद एलिक्सिर वर्जन आपको मिलेगा 1.4, फिर आप डेवलपर नेम देख सकते हैं। स्टिल लिनक्स स्टेटस आपका इन्फोर्सिंग है और जो कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है वो एज़्योर ज़ियूस प्लस। सिस्टम में जाने पर सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम अपडेट, OTA अपडेट्स को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जेस्चर में जाने पर आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट और 100 मोड मिल जाएगा। इसके बाद सिस्टम नेविगेशन में जाकर आप 2 बटन 3 बटन या जेस्चर नेविगेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जेस्चर नेविगेशन बार की लेंथ से रिलेटेड तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, बट फुल स्क्रीन जेस्चर को ऑन कर आप इसे हाइड कर सकते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाने पर आपको ऑन डिवाइस वॉलपेपर यही मिलता है जो अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है। वॉलपेपर कलर या बेसिक एक्सटेंड कलर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डार्क थीम, थीम डाइकॉन और ग्रिड साइज वाले ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाएंगे। डिस्प्ले में आपको यूजुअली मिलने वाले सभी ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही आपको एक थीमिंग वाला सेक्शन मिलेगा जहां से आप फॉन्ट, आइकॉन शेप और आइकॉन पैक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब आप सिलेक्ट तो कर सकते हैं, बट जब आप फोन को रिबूट करेंगे तो सब कुछ फिर से डिफॉल्ट पे आ जाएगा। अब बात करें रोम के बैटरी बैकअप की तो आपको कोई एक्सेसिव बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलता। स्टॉक कर्नल के साथ नॉर्मल यूसेज में आपको 7 आवर तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा और जो बैटरी यूसेज वाला ग्राफ है वो आपको नया वाला देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बबल वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद एप्स में जाने पर गेम सेटिंग्स में आपको गेमिंग डैशबोर्ड भी मिलता है, बट ये पबजी या BGMI पे वर्क नहीं करेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट कैरियर वीडियो कॉलिंग आपका वर्किंग नहीं है। एसेंस में मिल जाती है आपको कस्टमाइजेशंस। इसके फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगी प्रोजेक्ट एलिक्सिर टीम की इन्फो, इसके बाद सेकंड सेक्शन आता है स्टेटस बार वाला, यहां पर आपको मिल जाता है सबसे ऊपर ट्रैफिक इंडिकेटर, आप इसे स्टेटस बार या QS हेडर कहीं भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है स्टेटस बार आइटम्स वाला ऑप्शन, 4G आइकॉन और वोल्टी आइकॉन से रिलेटेड ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। फिर आपको मिलता है डबल टैप टू स्लीप स्टेटस बार वाला, इसके बाद वाइब्रेट ऑन टच, फिर आपको बैटरी स्टाइल्स भी मिल जाते हैं, बैटरी परसेंट को भी आप इनेबल कर सकते हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर से भी रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिन्हें आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन आता है लॉक स्क्रीन वाला, यहां पर आपको मिल जाएगा डबल टैप टू स्लीप और लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फोर्स स्मॉल क्लॉक वाला, तो ये मैं आपको इनेबल करके दिखा देता हूं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब आप लॉक स्क्रीन को चेक करेंगे तो क्लॉक आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, और इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद आपको क्लासिक एंड्रॉइड 12 वाला क्लॉक मिल जाएगा। लास्ट सेक्शन आता है मिस्क वाला, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडवांस्ड रिबूट, फिंगरप्रिंट, सक्सेस और एरर वाइब्रेशन, और भी आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। साउंड में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड सभी ऑप्शंस के साथ ही MI साउंड एनहांसर भी मिल जाएगा, और सिक्योरिटी में आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं डिवाइस के सर्टिफिकेशन की, तो अभी तो मैंने फोन रूट किया हुआ है, बट विदाउट रूट भी आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हैं। अब बात करें रोम के स्मूथनेस की तो सुपर स्मूथ स्नैपी UI आपको देखने को मिल जाएगा, एनिमेशंस भी आपको काफी स्मूथ मिलते हैं, कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा और ऐप ओपनिंग स्पीड कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। रिसेंट पैनल में आपको सिलेक्ट और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे, बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा क्लियर ऑल का ऑप्शन।
और अब बात कर लेते हैं Geekbench स्कोर्स की। स्टोक कर्नल के साथ आपको कुछ इस तरीके के स्कोर्स देखने को मिलेंगे। सिंगल कोर आपको मिलता है 500 और मल्टी कोर मिलता है 1492। इसके बाद सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट को स्टोक कर्नल पे 5 मिनट रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रोटलिंग ग्राफ और जीआईपीएस स्कोर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें रोम के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ऐसे गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है। नॉर्मल गेमिंग आप इस रोम पे कर सकते हो, उसमें आपको कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। इस रोम पे आप कह सकते हो आपको बैलेंस्ड गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट जो मस्त वाली गेमिंग होती है 60 FPS में कम FPS ड्रॉप के साथ, वो आप इस रोम पे नहीं कर सकते। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो।